आओ बेटा शुरू करें अपने आज की क्लास बेटा एक बार फिर से मैसेज करके बताना आ गए हैं क्या वैसे तो आयुष काफ़ी देर से आया हुआ है थैंक यू बेटा मुझे अच्छा लगा कि तुम बेसिक कर रहे हो <coughs> क्योंकि कई बच्चे ना बेसिक को इग्नोर कर रहे हैं वरना फिर उनको दिक्कत हो जाएगी नाउ कम टू द पॉइंट आयुष एक बार मैसेज करो आइए जी तो चैप्टर के अंदर हमने कुछ बातें की थी हमने क्या क्या बातें की थी बताओ जल्दी से हो जरा पिछली क्लास तक पिछली क्लास तक हमने जो बातें की थी वो क्या क्या बातें की थी हमने बातें की थी नंबर वन यहां पर जो है एक है बेटा थ्योरी थ्योरी हमने काफी सारी पढ़ ली थी फिर बात थी किसकी नूमेरिकल्स की नूमेरिकल्स बेटे नूमेरिकली हमने बात की थी यहां पर चैप्टर के अंदर <coughs> दो चीजें हैं बेटा आइए इसमें दो चीजें हैं न्यूमेरिकली नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन कि भाई डेप्रिशिएशन लग रहा है कितना डेप्रेशन कितना लग रहा है इस बात की हमें क्या करनी होती है कैलकुलेशन और इसी बात के बेटे अलग अलग मेथड्स हैं <coughs> आपने पिछली क्लास नहीं ली थी कोई बात नहीं मैं आज से कोशिश करूंगा कि आप कर लिंक बन जाए ठीक है तो हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो की थी हमने कि यहां पर जो है इधर यहां पर यहां पर जो है एक तो बेटा मेथड है कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड दूसरा मेथड हमारा डब्ल्यू फिर तीसरा मेथड हमारा डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड। फिर अगला मेथड है हमारा कौन सा था जी लिस्ट हमने बनवाई थी डिप्लेशन के बाद में अगला मेथड है हमारा कौन सा मशीन आर रेट मेथड। फिर बात है क्या किलोमीटर रेट मेथड ये भी हमारी बात थी है ना आइए फिर इसके बाद में बात हुई थी हमारी अगली एक और दूसरी बात जो है बेटा वो हमारी थी मशीनर के बाद में ठीक है जी फिर इधर बात आई थी हमारी किसकी अकाउंटिंग की भाई दूसरी चीज हमें जो करनी है चैप्टर में वो क्या करनी है अकाउंटिंग बेटा अगर कल नहीं भी लिए क्लास तो भी आज से क्लास समझ में आ सकती है आइए, लेकिन कल की क्लास देख जरूर लेना अकाउंटिंग आइए जी ओके तो अब बात करते हैं यहां पर हमने लास्ट क्लास में कर लिया था स्ट्रेट लाइन मेथड को कर लिया था हमने मशीन आवर रेट को किया था हमने किलोमीटर रेट को किया था है ना डब्ल्यूडीवी हमारा चलना था और यहां पर बात हमारी होनी थी किसकी अकाउंटिंग की <laughs> किसकी होनी बेटे हमारी यहां पे बात अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की आइए अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आइए जी अकाउंटिंग में हमारे यहां पर बेटे दो मेथड है मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया भी था सबसे पहला मेथड, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन पूरा नाम लिखूं क्या पूरा नाम लिखता हूं क्या प्रोविजन फोर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन दूसरा मेथड भाई प्रोविजन फोर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट में ठीक है ये हमने लिखा था बस अब अगली बात करते हैं एक छोटा सा मेथड निपटा लेते हैं पहले जिसका नाम है डब्ल्यू मेथड डिप्लेन को हम लोग क्वेश्चन के दौरान कर लेंगे डब्ल्यू मेथड ये थोड़ा कैलकुलेशन का एक मैथड रहा है डब्ल्यू मेथड। मैथड आइए जी एक एग्जांपल लिखते हैं है, हेडिंग डालना फटाफट से जल्दी से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे जल्दी से हेडिंग डालेंगे जो अभी लाइव में पढ़ रहे हैं जो बैकअप में पढ़ रहे होंगे <coughs> लिखो डब्ल्यू डी वी मैथड फोर कैलकुलेशन डब्लू डी वी मैथड फॉर कैलकुलेशन बेटे इसका फॉर्मूला है <coughs> अच्छा ऊपर दिखा दीजिए ओके आप लास्ट क्लास में तो देखोगे कोई बात नहीं आप नोट करो अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन का एक मेथड है डब्ल्यू डीवी ठीक है हो गया आयुष करें आइए डब्ल्यूडीवी मैथड का आइए डब्ल्यूडीवी मैथड को समझते हैं तो हमने हेडिंग डाल दिया आयुष हो गया बेटा प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट इज मेंटेन और प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट इज नॉट मेंटेन चलिए अब हेडिंग डालो आयुष <coughs> पिछली क्लास में तुम लोग देख तुम देख लोगे बाकी के मेथड डिप्लेशन बाद में होगा एक मेथड नहीं हुआ लास्ट क्लास में डब्ल्यू जो मैंने रोक के रखा था आइए जरा <coughs> तो हमने हेडिंग डाला डब्ल्यू मेथड सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे इसका ना फॉर्मूला लिखेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे डब्ल्यू में होना क्या है इसमें रेट निकलना है क्या निकलना है रेट रेट निकालना है जी और रेट का यहां पे निकालने का क्या फॉर्मूला है जी वन वन माइनस माइनस एक में से माइनस करना है किसको स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कोस्ट इसका अंडर रूट करना है क्या करना है बेटा अंडर रूट करना है वन माइनस अंडर रूट किसका <coughs> स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कोस्ट है ना इसका अंडर रूट और कितने टाइम्स की पावर एन एन इसकी पावर एन जहां पर एन का मतलब क्या होता है एन इज इक्वल टू इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स वैसे आपने फाउंडेशन पढ़ ही रखा होगा और मैथमेटिकली आपको ज्यादा अच्छे से आता है आइए यहां पे बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्या रेट निकालो क्या डब्ल्यू वाला रेट निकालो अगर अगर फिक्स एसेस की कोर्स इतनी है स्क्रैप वैल्यू इतनी है वगैरह वगैरह और लाइफ इतनी है आइए जरा तो ऐसे केस में बेटे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आइए एक एग्जांपल लेके बात करते हैं <coughs> देखिए एग्जांपल और इसका एक एग्जाम्पल रखेंगे <coughs> क्या है सर एग्जाम्पल मान लिया मान लिया मान लिया एक फिक्स असेट्स है मान लिया एक फिक्स असेट्स है <coughs> मान लिया एक फिक्स असेट्स है उसकी कोस्ट जो है कोस जो है कोस्ट वो है बेटे मान लिया दस लाख रुपए कॉस्ट है कितने की दस लाख रुपए एस्टीमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ जो है वो है कितने की टेन इयर्स और 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 क्या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखिए क्वेश्चन में जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो वसेस बिक जाएगी कितने की मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं ढाई लाख रुपए लो जी बेटा जी इतने रुपए में असेट्स बिक जाएगी और क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है जी कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिशिएशन एज पर डब्ल्यू डी वी मैथड ध्यान रखना मैथड है <coughs> या डिमिनिशिंग मैथड भी बोलते हैं इसको एक और नाम इसका होता है डिमिनिशिंग मेथड इसको लिख लो आप कभी ऐसा ना हो डब्ल्यू ही याद रखो और एग्जाम में कोई और नाम आ जाए लिख लीजिए यहां पर क्या बोलते हैं इसको डब्ल्यू डीवी ऑब्लिक डिमिनिशिंग मेथड फॉर कैलकुलेशन तो दोनों में से कोई भी नाम होगा। बेटे कोई निकाल सकता है क्या जरा एक बार ट्राई करो आप लोग में से कई बच्चों ने इसे फाउंडेशन पढ़ रखा है प्लीज एक बार करो और मुझे बताओ जल्दी से मैं आपको गिनती के दो मिनट का मौका देता हूँ आप सब लोगों ने मैथमेटिकली पढ़ रखा है है ना इसलिए मैं आपको गिनती के दो मिनट का मौका देता हूं फटाफट से निकाल के दिखाओ हाँ बेटा आयुष निकाल लिया क्या वो ऑडियो का पॉइंट बन था आयुष निकाल लिया क्या मुझे जल्दी से बताओ तुमने मैथमेटिकली किया है कर लिया है क्या मैथमेटिकली अब आ रही आवाज अब तो आ रही है ना आवाज आप मुझे बताओ जल्दी से कर लिया क्या ये क्वेश्चन आयुष बताना कर लिया क्या क्वेश्चन <coughs> नहीं हुआ ना आयुष आओ मैं बताता हूं इसको न्यूमेरिकली थोड़ा सा रट्टे वाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स की क्लास तो है नहीं देखो मैथ में तुमने ज्यादा अच्छे से समझा होगा पहले मुझे लिख के बताओ ऑडियो वीडियो अब सब ओके है आयुष जल्दी बताना बेटा एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो सब ओके है अच्छा आइए चलिए यस ओके ऑडियो वीडियो सब ओके है देखो बेटा बताओ स्क्रैप वैल्यू कितने की है स्क्रैप वैल्यू है ढाई लाख रुपए की और बेटा कोस कितने की है दस लाख रुपए की बोलो है कि नहीं चलिए अब यहां पे होता क्या है उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत है निकालने के लिए मैं बता, दे, बता देता हूं यहां पर बेटे स्टेप वाइज बात होगी कैसे होगी स्टेप वाइज बात होगी हमने ये समझ लो कि हमने ना यहां पे फॉर्मूला लिख लिया पहले तो ठीक है अब हम यहां पर स्टेप वाइज दिखेंगे इसको जिन बच्चों को मैथमेटिकली इसको करने में दिक्कत है वो क्या करेंगे इस तरह से मेरे स्टेप फॉलो कर लेंगे स्टेप नंबर वन सबसे पहले क्या करना है ये बताओ भाई हमें यहां पे करना क्या है हमारा यहां पे क्या बना इसमें भाई यहां पे बना सर वन माइनस अंडर रूट करेंगे और वो भी टाइम्स कितना टेन इन टाइम्स अंडर रूट करेंगे किसका पॉइंट टू फाइव का स्टेप नंबर वन तो सबसे पहले तो यहां पे स्टेप नंबर वन क्या होगा ध्यान से कैसे इसको सोल्व करेंगे ये जो अंडर रूट करना है यहां पर हमें अंडर रूट करो कितना टेन टाइम्स सॉरी ट्वेल्व टाइम्स बस पूछना मत अकाउंटिंग की बात पूछ लो मैथमेटिक्स की बात मत पूछो लो मैथमेटिक्स की बात मत पूछो ये दर्द भरे लम्हे हैं पॉइंट टू फाइव का ट्वेल्व टाइम्स अंडर रूट करना जरा कैलकुलेटर फटाफट से पॉइंट टू फाइव एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये कितना आ गया जी ये आ गया बेटा कितना आ गया ये आ गया जी हमारा पॉइंट नाइन 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 सिक्स सिक्स वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट ठीक है अब इसके बाद में अगला है हमारा क्या स्टेप नंबर टू लो बेटा फिर है हमारा स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में क्या है जी यहां पे कहते हैं क्या स्टेप नंबर टू में वन में से क्या कहा मैंने बेटे ये जो स्टेप नंबर वन आया ना हाँ जी स्टेप नंबर वन जो आया अभी ऊपर इसमें से माइनस कर दो किसको माइनस कर दो वन को क्या मतलब सर देखो स्टेप नंबर टू में भी क्या निकल आया है बताओ सर पॉइंट नाइन 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 सिक्स सिक्स वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट निकल गया इसमें से आप वन को माइनस कर दो माइनस वन तो कितना आ गया आपका ये आ गया जी पॉइंट जीरो 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 और वो भी माइनस के किसके माइनस के, के। पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री एट थ्री नाइन थ्री फाइव टू ये आ गया जी अब अगली बात करते हैं अब है हमारा स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री आइए जी स्टेप नंबर थ्री बेटी उनके लिए हैं जो मैथमेटिक्स में मेरे जैसे हैं ठीक है ये उनके लिए है जो मैथमेटिक्स में मेरे जैसे हैं और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो बस पता ही है पहले से ही। आइए जी अब हमारा स्टेप नंबर थ्री क्या कहता है कि जो ये स्टेप नंबर टू है ना जो अभी भी आया हाँ जी इसको डिवाइड कर दो इसकी लाइफ ऑफ असेट से क्या मतलब भाई देखो <coughs> बताओ स्टेप टू में कितना आया स्टेप टू में आया माइनस का पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री एट थ्री नाइन थ्री फाइव टू हाँ जी इसको डिवाइड कर दो किससे एस्टिमेटेड लाइफ कितना टेन इसको आप डिवाइड करो तो कितना आएगा सर एक जीरो और इधर हो जाएगी डिवाइड बाय टेन दो जी क्योंकि यहां पे लाइफ टेन के कहीं पे ट्वेल्व तो की होगी तो ट्वेल्व के हिसाब से होगी यानी कि माइनस का पॉइंट एक दो तीन चार चार जीरो थ्री थ्री एट थ्री नाइन थ्री फाइव ये आ गया जी अब ये आ गया हाँ जी ये आ गया अब इसके बाद में बेटे अगली वाली बात क्या सर अगले वाली क्या बात है फिर कहते हैं स्टेप नंबर फोर नेक्स्ट स्टेप बेटे हमारा क्या नेक्स्ट वाला स्टेप जी स्टेप नंबर फोर बेटे ये उनके लिए मैं लिखा रहा हूँ जो बच्चे मैथमेटिक्स बेस से नहीं हैं और उनको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुई हो तो मैं भी उनमें से एक हूँ क्योंकि मैंने भी मैथ छोड़ दिया था ट्वेल्थ में स्टेप नंबर ये क्या कहते हैं स्टेप नंबर थ्री जो है ना हाँ जी इससे जो आया हाँ जी उसमें प्लस कर दो वन को मतलब माइनस का पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री एट थ्री नाइन थ्री फाइव प्लस वन इसमें बेटे प्लस कर दो वन को प्लस कर दिया हमने वन को तो हमारा कितना आ गया पॉइंट प्लस का आ गया पॉइंट नाइन 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 सिक्स सिक्स वन सिक्स जीरो सिक्स फाइव मैं मान रहा हूं कि जो बच्चे अभी क्लास देख रहा हूं वो बच्चा एक बच्चा क्लास जो देख रहा है जो भी है और या फिर जो ऑनलाइन में बैकअप में देख रहे होंगे उनमें से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको मैथमेटिकली दिक्कत है वो इन स्टेप्स को फॉलो करके आराम से क्वेश्चन करके आ जाएगा नंबर ले आएगा ठीक है स्टेप नंबर थ्री में जो चीजें हैं उसको उसमें प्लस किया वन तो हमारा ये डिजिट आई अगला स्टेप है हमारा अगला हमारा स्टेप जो है अगला जो हमारा स्टेप है आइए इधरा देखिए बेटे स्टेप नंबर फाइव स्टेप नंबर फाइव क्या कहते हैं ये कहते हैं क्या करो ट्वेल्व टाइम्स क्या करना है जी ट्वेल्व टाइम्स मल्टीप्लाई करो दैट इज मतलब स्क्वायर करते चलो ठीक है किसको ऑफ स्टेप फोर ये जो स्टेप फोर से अभी आया है ना तो आप इसको करो इसको बेटे मल्टीप्लीकेशन में डालना है हमें ये इनटू एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो ये कितना आ गया जी हमारा ये आ गया जी पॉइंट एट सेवन जीरो फाइव सिक्स बेटे लास्ट स्टेप अब ये बच गया यहाँ पर स्टेप नंबर सिक्स स्टेप नंबर सिक्स कहता है कि क्या करो यहाँ पर जल्दी से बेटा मेरे ख्याल में आप नोट भी कर रहे हो साथ साथ में इधर स्टेप नंबर सिक्स कहता है कि आप ना वन में से माइनस कर दो स्टेप नंबर फाइव को क्या मतलब जो स्टेप फाइव से आया अभी उसको आयान में से माइनस कर दो यानी कि वन में से आप माइनस कर दो पॉइंट एट सेवन जीरो थोड़ा सा रट्टा फीकेश है ना यहां पर मैथमेटिकली क्योंकि बेटे अकाउंट्स की क्लास में मैथमेटिक्स आपको पता ही है बल्ले बल्ले मुझे पहले ही बताओ ये बात समझ में आ गई क्या मैं शुरू करूं अब आगे आइए शुरू करते हैं आयुष ओके है एक बार प्लीज लिखना ओके है ताकि मुझे पता रहे कि आगे चलने का टाइम आ गया है आयुष लिखना दोबारा से ओके है अगर समझ में आ गया तो क्योंकि अब हम ना अकाउंटिंग की तरफ चलेंगे वैसे आयुष ने पहले निकाल दिया था है भाई लड़के आइए नेक्स्ट है हमारी क्या अब यहां पर अकाउंटिंग लो बेटा नो सर ओके okay, नहीं है या पहले निका निकाला नहीं था मुझे बताना जरा एक बार मतलब मैं आगे चलूं ये लिखो चलो सर आगे इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया है जल्दी बताना बेटे नहीं तो कि सर दोबारा समझाओ बताना बेटा आयुष फिर मैं अकाउंटिंग पे लेके चलूं असली चीज तो अब हमारी अकाउंटिंग है बताओ बेटा आयुष जल्दी से बताओ ताकि मैं आगे चलूँ है जी ओके okay, नहीं है आप एक काम करो फिर दोबारा समझा दीजिए पहले ना आप एक काम करो यहां पे इसको देखो आयुष एक बार ये स्टेप यूज करके देखो आयुष देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्वेल्व टाइम्स क्या कहा मैंने ट्वेल्व टाइम्स हम लोग क्या करेंगे हाँ परसेंटेज निकालने में दिक्कत है ओके अंडर रूट करो टाइम्स अंडर रूट करो बेटे किसका मतलब अंडर 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 रूट 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 कैलकुलेटर में दबाओ ये समथिंग ये आएगा पॉइंट टू फाइव कैसे आया ये तो पता है ना डायलाख को दस लाख से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा पॉइंट टू फाइव बेटे इसको ट्वेल्व टाइम्स अंडर रूट करो अंडर रूट करो पॉइंट टू फाइव को तो छोटा करते करते ये हो जाएगा ठीक है फिर जो ये आया इसको तुम क्या करोगे इसमें से इसमें से स्टेप वन माइनस करोगे एक बार स्टेप फॉलो करके देखो जरा एक बार फॉलो करके देखो फिर मुझे बताओ ठीक है एक मिनट देखो और मुझे बताना फिर मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का आयुष ट्राई किया ये बताओ मुझे देखो आयुष ट्राई किया तुमने कैलकुलेटर पे कितने टाइम्स किया बताओ सबसे पहले ट्वेल्व टाइम्स तो इसको करो पॉइंट टू फाइव लिखा हमने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आयुष जल्दी बताओ बेटा कर लिया आ गया तुम्हारा पॉइंट नाइन नाइन समथिंग समथिंग बताओ मुझे आयुष आयुष मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना बोलो स्टेप वन ओके मुझे ऐसे बताते रहो क्योंकि है ना बताओ आयुष ऑडियो वीडियो सब ओके okay है ना आयुष मुझे साथ साथ बताते रहो बेटा देखो ये हो गया फिर तुमने क्या किया इसमें से वन घटाया क्यों करेंगे बेटा देखो अब देखो अकाउंट में तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ क्यों करेंगे मैथमेटिक्स में मैं नहीं समझा सकता क्यों करेंगे मैथमेटिक्स के लिए मैं सरेंडर हूं पहले से ही ठीक है ना बेटा हाँ इसमें से बेटे घटाओ इसमें से वन घटाओ क्योंकि हमें भी हमारे सर ने जब पढ़ाया था तो अकाउंट्स वाले सर थे उनको भी ऐसी अकाउंट में पूछी जाती है तो उसमें हम स्टेप्स बना लेते हैं बस माइनस करो वन कर दिया आपने जब आपने इसमें से वन को माइनस किया तो बेटा कितना आया पॉइंट जीरो 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 थ्री समथिंग समथिंग

अब अगली बात है बेटे स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर क्या कहते हैं कि ये जो आया है ना ये जो आया है माइनस का समथिंग समथिंग इसमें वन को प्लस कर दो इसमें वन को प्लस कर दो इसमें वन को प्लस कर दो तो तुम्हारा ये आ जाएगा करके देखो ठीक है, ओके okay. अब इसके बाद ट्वेल्व टाइम्स आप स्क्वायर करोगे इसका तो क्या आएगा ये आ जाएगा फिर बेटे इसके बाद में क्या करोगे वन में से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा बेटा ये रेट आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट नाइन फोर ठीक है पहले मुझे बताओ बेटे डन तो चलिए फिर चले फिर हम अकाउंटिंग की तरफ आइए जी अकाउंटिंग अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं अकाउंटिंग में हम बात करें ट्राई करना इनकेस अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना मैं दोबारा से क्लास में करा दूंगा डन हो गया वेरी गुड बहुत अच्छी बात है बेटा तुम लोगों को मैथ ज्यादा अच्छे से आता है आज की डेट में इतने अच्छे से तुम लोग पढ़ते हो कैलिबर वाइज चलो अकाउंटिंग की बात करें अकाउंटिंग में बेटे बस बेटे अब चैप्टर तो बस अकाउंटिंग का है जो सबसे मुश्किल घड़ी थी वो यहीं तक थी अकाउंटिंग की बात करें तो पहला जो केस है वो क्या है कि अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं दूसरा केस है कि अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते मेथड नंबर टू तो अकाउंटिंग में बेटे दो मेथड है मेथड नंबर वन हाँ जी मेथड नंबर वन इधर क्या है मेथड नंबर टू मेथड नंबर टू अगर भाई मेंटेन कर रहे हैं अगर भाई नहीं मेंटेन कर रहे हैं लेट्स स्टार्ट तो नेक्स्ट पेज पर आओ और वहां लिखो वहां पे लिखो हा जी यहां पर लिखो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है बेटा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन अब बेटा इसमें सबसे पहला जो मेथड है लिखो मेथड नंबर वन मेथड नंबर टू लिखो बल्कि पहले हम करेंगे मेथड नंबर टू ये कौन सा है जी वैन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नोट मेंटेन जब प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है तब ठीक है बेटे ऐसे केस में किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी आइए जरा बात करते हैं देखिए जरा जब डेप्रेशन लिए जब प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता पहले मेथड टू को करेंगे देखो बेटा एक एग्जाम्पल के जरिए बात करते हैं देखो एग्जाम्पल नंबर वन इसका एग्जाम्पल नंबर वन है अच्छा चलो अच्छी बात है ठीक है बेटा बस वो रेट निकालने का क्वेश्चन था बेटा डेप्रेशन नहीं रेट फिर तो लगाते रहेंगे निकलता रहेगा बेटा है ना और दस लाख पे लगेगा वो रेट ये गलत है अमाउंट जो भी रेट लगेगा, लगेगा बेटा वो दस लाख पे लगेगा बाबू आयुष ओके आइए जरा नाउ कम टू द पॉइंट एक एग्जाम्पल लिखते हैं जी देखिए एक फिक्स असेट्स है एक फिक्स्ड असेट है जिसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन ने दे रखी है द कॉस्ट है मान लिया पांच लाख और बेटा जी यहां पर यहां पर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो भी गिवन है क्वेश्चन में कमाल है देखो क्वेश्चन दे रखा है बारा परसेंट पर एनएम पर एनएम ठीक है और जो रेट है डेप्रीशिएशन का वो है हमारा एस एल एम क्या एस एल एम बेसिस स्ट्रेट लाइन बेसिस यानी कि हर बार ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में क्या होगा रेट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कोस्ट बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा या तो ईयर से डिवाइड करके लाइफ से डिवाइड करके हम लोग हर साल का डिपिशन के अमाउंट निकाल देंगे लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है और हमें रेट दे रखा है उसका तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा वो जो रेट है वो सीधा कोस्ट पे निकलेगा हर साल आइए जरा अब ऐसे केस में हमें क्या निकालना है जी कहता है क्या प्रिपेयर क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है जी ऐसे केस में क्वेश्चन हमसे चाहता है प्रिपेयर प्रिपेयर फिक्स्ड असेट्स अकाउंट फिक्स्ड असेट्स अकाउंट एंड आल्सो आल्सो शो जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ओनर ये जो ओनर है जिसने वो फिक्स अकाउंट खरीदी है जो जिसने वो खरीदी है उसकी बुक्स में आपको क्या करना है बेटा जी आपको फिक्स अकाउंट बनाना है और जेन एंट्री भी बना करके दिखानी है लेजर के साथ साथ में शुरू करें आइए जरा आंसर बेटा अब हम शुरू करते हैं बेटा आंसर शुरू करो तो सबसे पहली बात तो हमसे वो क्या चाहता है इसकी बुक्स में सर दो चीज चाहता है अच्छा क्या नंबर वन जनरल एंट्री नंबर वन जनरल एंट्री सबसे पहले तो चाहता है कि जनरल एंट्री बनाऊ और फिर वो ये चाहता है कि भाई लेजर भी बना दो इसमें लेकिन एक चीज है अभी क्वेश्चन में एक डेट और डालनी पड़ेगी हमें ठीक है ना फिक्स से जब खरीदी तो भाई फिक्स से जब खरीदी तो किस डेट पे खरीदी बोट एट कोई डेट ले लेते हैं एक अप्रैल 2021 लो जी यह हमने ये डेट ले ली जी शुरू करें आइए जरा कहता है क्या शो कीजिए जनरटरी इन द बुक्स ऑफ ओनर फोर कौन से ईयर के लिए बताओ जी कौन से ईयर के लिए लगाए फोर इक्कीस बाईस इक्कीस बाईस एंड और बाईस तेईस फाइनेंशियल ईयर इन वाले ईयर्स के लिए अब बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या जनरल एंट्री सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या बोलो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस जो भी है बेटे बिजनेसमैन चाहे वो बेटे प्रोपराइटर है चाहे वो पार्टनरशिप हम है या बेटा कंपनी है कोई भी हो है ना या इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एंटिटी क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर जनरल एंट्रीज दो बेटे सबसे पहले बेटे हमारा जो ईयर है वो कौन सा ईयर है हमारा जो ईयर है वो कौन सा ईयर है इक्कीस बाईस और हमारी कौन सी डेट पे बात हुई है सबसे पहले ये बताओ सबसे पहली डेट है हमारी एक अप्रैल 2021. बताओ बेटा क्या जन एंट्री होगी जब हमने असेट्स को खरीदा सर हमने जब असेट्स को खरीदा तो एंट्री होगी जी बताओ बेटे क्या होगी जी एंट्री जी एंट्री होगी फिक्स्ड असेट्स क्या कहा मैंने फिक्स्ड असेट्स फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सबसे पहले तो बेटे ये एंट्री होगी जब हमने असैट्स को खरीदा नंबर एक बात और कितने रुपए में खरीदा जी अच्छा ऊपर दिखाऊं बताओ बताओ क्या दिखाऊं बेटा ये लो ठीक है बायुष? आयुष आइए जी फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटे कितने रुपए में खरीदी ये खरीदी जी पांच लाख रुपए में अब अगली बात बेटे पांच लाख रुपए में जो ये फिक्स खरीदी इसके बाद में बेटा फिर कब एंट्री होगी बताओ फिर होगी जी ईयर एंड पर ईयर एंड पे क्या हुआ जी डेप्रीशिएशन हुआ तो बताओ बेटे ईयर एंड पर कौन सी डेट होगी अगली एंट्री होगी ईयर एंड पर जहां पर होगी थर्टी फर्स्ट मार्च क्या होगा बेटा मार्च 2000 ट्वेंटी टू और यहां पर एंट्री क्या होगी जी यहां पर एंट्री होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बेटे पहले साल का डेप्रीशन बताओ कितना आएगा <coughs> पहले साल का आएगा पच्च, पच्च, पांच लाख पे बारह परसेंट दूसरे साल का भी सेम आएगा क्योंकि हमेशा पे लगता है में। कितना हो गया, जी? साथ। बेटा साथ हमारा हो गया। और यही डेप्रिशन हमारा अगले साल का भी होगा क्यों होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है जहां पर हर साल अमाउंट फिक्स रहती है रेट जो लगेगा वो किस पे लगेगा हमेशा बेटे वो कोस्ट पे लगता है हर साल आइए जी तो 31 मार्च को ही हम लोग एक और एंट्री करेंगे क्या इसको पीएनएल भेजेंगे डेप्रेशन को लो बेटा जी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट लो बच्चों जी हो गया अब बात करते हैं अगली अगले साल की अब अगला जो ईयर है हमारा पहली बात हमारा ईयर कौन सा है जी अगले वाला अगले वाला हमारा जो ईयर है वो ईयर है बाईस तेईस भाई ये इक्कीस बाईस था अगला वाला ईयर हमारा कौन सा होगा बाईस तेईस उसमें शुरू वाली डेट पे तो कोई एंट्री होगी नहीं दोबारा से थोड़ा फिक्सेस खरीद रहे हैं सीधा एंट्री कब होगी बेटा ईयर एंड पर इकतीस मार्च दो हजार तेईस को एंट्री होगी बेटा फटाफट से लिखो 31 मार्च दो हजार तेईस लिखो बेटा एंट्री बेटा यहां पर सीधा डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी नंबर एक बात डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सड असेट्स डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट बेटा सेकेंड इयर में भी सेम हमारा डेप्रिश रहेगा नंबर एक बात नंबर एक बात सबसे पहले तो इस बात को समझ लो अब इंड पर ही हमारी एक और एंट्री होगी डेप्रीशिएशन को पीएनएल में भेजने की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट पी एन एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशन अकाउंट बेटा ये हमारी कितनी साठ हज़ार रुपये की प्लीज़ एक बार जल्दी से नोट करो और फिर लेजा बनाएंगे जी ठीक है आ बेटा आयुष बेटा हो गया क्या लेजर बना लिए क्या अब हम इधर क्या करेंगे ये तो जन एंट्री थी इधर बेटा हम क्या करेंगे बताओ यहां पर हम लोग इधर क्या बनाएंगे लेज़र्स लेजर बच्चों यहां पे है बेटा अपना क्या फिक्स असेट्स अकाउंट Fixed assets account Date <coughs> Particulars JF Amount Debit Date Particulars JF Amount Credit बेटा बनाओ लेजर क्वेश्चन डन वेरी गुड आओ तो मैं भी करता हूं मैं तो आप ही जैसे धीरे धीरे चलता हूँ सबसे पहले बताओ यहाँ पे लेजर नाम कौन सा बनेगा बताओ लेजर का क्या नाम है फिक्स्ड असेट्स अकाउंट आओ जी यहाँ पे क्या है जी बोलो डेट जी डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेबिट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट क्रेडिट सबसे पहले एंट्री क्या होगी पोस्टिंग ये आगे बेटे हमारा ईयर कौन सा है बताओ सबसे पहला जो हमारा ईयर होगा वो होगा हमारा कौन से वाला डेट कौन सी डलेगी 2021 लो जी फर्स्ट अप्रैल को क्या हुआ जी यहाँ पर टू बैंक कितने की कोस्ट है बेटा यहाँ पर हमने जो ली थी एग्जांपल में पांच लाख की लो बेटा जी पांच लाख बेटे यहाँ पर ईयर एंड पे जो डेट होगी वो कौन सी होगी बेटे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है ना थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और यहां पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना लगेगा पहले साल का साठ हजार जी, बाई डेप्रीसी साठ हजार रुपये बेटे चार लाख ,00, चालीस हजार रुपये यहाँ बैलेंस होगा भाई पांच लाख में से साठ हजार गए बचेगा कितना चार लाख चालीस हजार बेटा बाई बैलेंस कैरे डाउन टू बैलेंस रोड डाउन इकतीस मार्च बाईस बेटे अब इसमें क्या होगा यहाँ पर एक अप्रैल दो हजार इक्कीस है ना यहाँ पे क्या हो गया एक अप्रैल दो हजार बाईस बेटे चार लाख चालीस हजार की बात है अब क्या होगा इकतीस मार्च दो हजार तेईस की बात है बाई डेप्रिशिएशन कितना हुआ जी यहां पे बेटा लाइन मेथड है तो सेम डेप्रीशन चलेगा लो जी चार लाख चालीस हजार में से निकल गया जी साठ हजार तो ये आ गया बेटा कितना तीन लाख अस्सी हजार बाई बैलेंस डाउन बेटा एक चीज और करना चाहिए एग्जाम में हमें ना हमेशा बैलेंस को ब्रोड डाउन करके छोड़ देना चाहिए वेरी गुड क्वेश्चन डन है चलिए तो मैं मान रहा हूं यहां तक ओके okay है आइए बेटा ये कौन सा मेथड था हमारा मेथड नंबर टू जहां पर फिक्स अकाउंट में घटता गया इसकी जरा बैलेंस शीट भी देख लें क्या आओ जरा एक छोटी सी इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं और ट्रेडिंग पेनल भी देख लेते हैं इसी के बराबर में एक कॉलम और भी खींच लो एक कॉलम और भी खींच लो इसी के बराबर में इसके इधर हम लोग क्या करेंगे उधर हम लोग वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात करते हैं बेटे दो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है एक तो बेटा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपको पता ही है इस चीज का कि भाई एक तो भाई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा क्या है बताओ सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और फिर क्या बेटा बैलेंस शीट तो आइए जरा लिखते हैं इसमें कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में किस तरह से इफेक्ट आएगा लेट्स सी तो जी बेटा जी ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट और यहाँ पर होगा बैलेंस शीट में इफेक्ट किस तरह से दिखाया जाएगा जी इनको अगर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट मेंटेन नहीं है तो ऐसे केस में हमारा जो डेप्रीशिएशन है वो तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा ये मैं एक साल का बना देता हूँ ऐसे बेटे दूसरे साल का होगा ये है हमारा कौन से ईयर के लिए ईयर है इक्कीस बाईस मतलब देखा जाए तो फोर ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैलेंसेंड ट्वेंटी ट्वेंटी आप करोगे आई जरा डेब कितने का है जी पहले साल का साठ हजार दूसरे साल में भी सेम आएगा हालांकि यहां पे बेटे फिक्स असेट्स की मैं बात करूं फिक्स असेट्स का बैलेंस दो कॉलम बना दो क्या यहां पे चलो छोड़ो रहने दो हाँ जी कितने के फिक्सेस से बची कि जी चार लाख चालीस हजार की बची हुई है पहले साल के एंड में पहले साल के एंड में चार लाख चालीस हजार बची हुई है ये बात हमारी कौन से ईयर के लिए है ये हमारी ईयर इक्कीस बाईस चलो बनाते हैं कोई बात नहीं इक्कीस बाईस के साथ साथ में बाईस तेईस भी बना देते हैं निपटाओ बेटे काम को यहीं पर ही हम लोग बना देते हैं 21 बाईस के साथ में 22 तेईस एक हमारा ट्रेडिंग पेनल बनेगा और एक बनेगी जी बैलेंस शीट तो सबसे पहले तो यहां पे बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2023 के लिए है यह है हमारी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 बेटा यहां पर डेप्रिशिएशन है टू डेप्रिशिएशन बताओ से, से, सेकंड ईयर का कितने का आएगा साठ हजार का यहां पे बेटा फिक्स असेट्स है, असेट्स। ये कितने की है जी चार चालीस में घटा दो कितने का बचा था हमारा तीन लाख अस्सी हजार की फिक्स बची हुई थी इस केस में हमें ये नहीं पता चल रहा किस किस साल कितना डेप्शन लगा था देखो बैलेंस शीट में सीधी सीधी नेट अमाउंट उठ के आ रही है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं यह हमारा सेकेंड ईयर का है आइए अब बात करते हैं हम लोग अगर 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 पहले मुझे इतनी बात बताओ यहां तक बात ओके है मैं रुक गया यहां तक बात ओके है क्या मुझे बताओ जल्दी से बोलो आयुष यहां तक बात ओके okay है ओके okay का मतलब यहां तक नोट भी कर लिया तुमने समझ भी लिया है ओके है चलिए ओके ओके चलिए जी ये हमने जो बात की थी हमने कब की थी जब हमारा था मेथड नंबर सेकंड जहां पर प्रोविजन फॉर डेबिश अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा था सेम एग्जांपल को हम लोग करेंगे मेथड नंबर वन से आइए जरा यहां पे लिखो क्या लिखोगे एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर टू और हैडिंग डाली बेटे यहां पे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन अगर भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिशन अकाउंट मेंटेन हो तो कैसे होता है जी आइए जरा बात करते हैं लिखे यहां पर सपोज इन अबो एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर इन अबो एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज ओपन या मेंटेन ठीक है तो कैसे होगा शुरू करें आगे तरह तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर जरा एंट्री करेंगे तो फिर से वैसे ही हेडिंग बनाने होंगे हमें आगे तरह तो सबसे पहली बात है बेटे यहां पर सबसे पहले तो यहां पे लिखो आंसर और यहां पर हमें क्या करना होगा सबसे पहले बेटे यहां पे हमें कुछ पार्ट्स करने हैं इसमें इधर हमारी क्या, हो, क्या होगी बेटा जेनेट्रीज इधर हमारे क्या होंगे लेज़र्स और उधर क्या होंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइए जरा इनके हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर हमारी होगी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एंटिटी जनरल एंट्री जी और उधर क्या होंगे जी उधर वहां पे लेजर्स और उधर क्या होंगे जी उधर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या इफेक्ट यहां पर आएगा जी लेट्स स्टार्ट शुरू करें आइए जी मान लिया मान लिया सेम एग्जांपल है जो अभी हमने किया बेटा यहाँ पर हमारा हमारी जो डेट है वो कौन सी डेट होगी बताओ सबसे पहली डेट होगी एक अप्रैल 2021 और यहाँ पर क्या हुआ बेटा यहाँ पर असेस को खरीदा गया क्या क्या बोलो असेस को ख़रीदा एंट्री होगी हमारी फिक्स्ड क्या एंट्री होगी बेटा फिक्सड असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मैं नरेशन इग्नोर कर रहा हूं बेटे कितने की खरीदी पांच लाख की फिर क्या हुआ ईयर एंड आया इंड पर डेप्रिशिएशन लगा डेट कौन सी है जी ईयर एंड की थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंट्री होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेस अकाउंट बेटे कितना साठ हज़ार आप कहोगे सर यहाँ तक तो बात सेम रही मैं वही बता रहा हूँ बेटे यहाँ पर हमारी फिक्स एसेस को नहीं घटाया जाएगा लिख के यहाँ पे काटें फटाफट इसको काटेंगे बेटा यहाँ पर जो एंट्री होगी वो क्या होगी पता है टू प्रोविजन फोर डेप्रिशिएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पर एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट दरअसल ये क्या है ये एक तरह से हमारी ना एक गुल्लक बन गई समझ लो हम उस गुल्लक में इकट्ठा करते चलेंगे गुल्लक समझते हो नहीं समझते हो नहीं समझते हो ना गुल्लक नहीं सर नहीं समझते नहीं सर नहीं समझते बोलो जी ये हो गया जी हमारी गुल्लक क्या होगी बोलो गुलक हो गई इस गुल्लक के अंदर हमने क्या किया इकट्ठा कर लिया सिक्सटी थाउजेंड को एग्जाम में ऐसे मत बनाना ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटे फिर अगली एंट्री क्या है बाकी तो सब कुछ सेम है सर मतलब फिक्स अकाउंट को घटाया नहीं नहीं हम यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डेप्शन करेंगे ये नहीं करेंगे आइए जी तो पी एन एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशन अकाउंट साठ हजार इसके बाद में बेटा अगला अगली जो डेट आएगी वो आएगी थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 ट्वेंटी थ्री और एंट्री क्या होगी जी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट फिर से वही बात होगी ठीक है आपको पता है यहां पर गुल्लक जो हमारी पहले साल बनी थी उसके अंदर ऑलरेडी पता है कितना था पहले से ही साठ हजार था पुराने वाला साठ हजार था पुराने वाला साठ हजार पहले से था अब हम लोग क्या करेंगे नए वाला साठ हजार फिर से डाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साठ प्लस साठ टोटल कितना हो जाएगा भाई एक सौ बीस लो जी अगली एंट्री क्या होगी जी बताओ बेटा जी अगली एंट्री क्या होगी बेटे अगली एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट साठ हजार रुपए उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर है बेटे हमने क्या किया दोनों साल में हमने ना एक प्रोविजन फॉर डेपेशन अकाउंट में डेप्रिशन को इकट्ठा करते गए अब जब लेजर बनेंगे तो हमारे कितने बनेंगे यहां पर लेजर भी तो हमारे दो ही बनेंगे एक तो बेटा फिक्स अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट एक बनेगा हमारा फिक्स अकाउंट आइए जी लिखते हैं सबसे पहले हमारा बनेगा यहां पर कौन से वाला बेटा ये बनेगा जी हमारा ये बनेगा जी हमारा फिक्स्ड असेट्स अकाउंट फिक्स्ड असेट्स अकाउंट लो जी, एंट्री क्या होगी यहाँ पर आप देखोगे अगर तो सबसे पहली एंट्री जो हमारी आई वो एक चार दो हजार इक्कीस को आई और एंट्री क्या हुई टू बैंक बेटा यहाँ पे कितने की अमाउंट गई पांच लाख की है ना कोस वही थी ना हमारी और यहाँ पर बेटा इकतीस मार्च बाईस को बैलेंस ऐसे के ऐसे ही एज इट इज कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा क्यों क्योंकि हमने इस अकाउंट इस बार जो हमने अकाउंटिंग की है उसमें कोई हमने फिक्सेस अकाउंट से पैसे नहीं घटाए <coughs> बल्कि डेप्रीशिएशन को एक अलग अकाउंट में स्टोर किया है आइए तो जो पांच लाख की कोस्ट है हमारी यहां पर बेटे कौन रहता है सिर्फ और सिर्फ कोस्ट तो जो पांच लाख रुपए की कोस्ट है हमारी उसमें बेटे हमने डेप्रेशन नहीं लगाया बाय बैलेंस कैरी डाउन एज इट इज हो जाएगा लो भैया जी एक चार बाईस। टू बैलेंस ब्रोड डाउन तो बेटा जी पाँच लाख एज इट इज सर सेकेंड ईयर भी नहीं घटाएंगे फिर तो हाँ बस वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं घटाएंगे पाँच लाख में कोई भी चेंज हमने नहीं किया हमने फिक्स अकाउंट को इंटेक्ट रखा कुछ भी इसमें नहीं छेड़ा छाड़ी की यानी बैलेंस शीट में ऐसे ही आएगा दोनों साल में बात करें अगर डेप्रिसिएशन की प्रोविजन फॉर डेप्रेशन की लो जी अगला अकाउंट जो है हमारा वो कौन सा बेटा वो है जी हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीशन अकाउंट डालो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बेटा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट है इसके अंदर बात करते हैं आइए जरा सबसे पहले तो ये ईयर एंड हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को एंट्री आई बाई कई बच्चों ने ये एंट्री पढ़ रखी है सीधा -सीधा और वो यहां पर आइए तो जी क्योंकि आपने देखा होगा को मैं भी क्या कर रहा हूँ भेज तो पीएनएल रहा हूं ओवरऑल कंपाउंड तो हमारा इफेक्ट सेम आ रहा है डेपेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेबिशन बेटे पहले साल का साढ़े हजार इकट्ठा हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन साठ हजार बेटा इकतीस मार्च बाईस इधर बात करते हैं एक अप्रैल तेईस तेईस नहीं इक्कीस बाईस और बाईस एक अप्रैल बाईस हो रहा है तो बाई बैलेंस ब्रोड डाउन देखो बेटा ये गुल्लक में आपने इकट्ठा कर लिया था फिर आपने क्या किया इकतीस मार्च तेईस को बाई बाई डेप्रिशिएशन लो जी जी बेटा कितना साठ हजार और आपने इकट्ठा कर लिया जी यहां पे बेटा एक लाख बीस हजार टू बैलेंस डाउन एक लाख बीस हजार इकतीस मार्च तेईस बेटा जी यहां तक बात है यहां तक ओके है लिखना जरा एक बार क्लियर है आयुष एक बार लिखो यहां तक क्लियर है क्या एक बार प्लीज लिखो क्लियर है अगर क्लियर है तो और अगर नहीं है तो मुझे बेटा डाउट भेजो बेटा ये एक तरह का गुल्लक है समझ लो इसमें इकट्ठा हो चुका है कुछ पुराना और कुछ नया ओके है अच्छा चलिए अब बेटे हम क्या करेंगे अब हम इसके करेंगे फाइनेंशियल असेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर असर डाल देखेंगे क्या असर आएगा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आइए जी दो साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले ईयर की तो यहीं पे बना दो छोटा छोटा ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट इधर भी ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट पहला जो हमारा ईयर आया ये जो हमारा ईयर है 21 बाईस है और ये वाला हमारा नेक्स्ट ईयर है 22 तेईस है तो हम बात कर रहे हैं यहां पर पहले इधर बात करते हैं आइए इधर ये हमारा जो इक्कीस बाईस का ईयर है बेटे इसमें हम क्या बना रहे हैं बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बना रहे हैं हम लोग सर हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को खत्म हो रहा है ये रहा हमारा ट्रेडिंग और इसके नीचे है पीएनएल जहां पी एन एल है वहीं पर ही तो डेप्रेशन आता है टू डेप्रीशियशन अकाउंट और डेप्रीशियशन हमारा है साठ हजार का कितने का साठ हजार का और जो बैलेंस शीट है कहां पर है ये बैलेंस शीट है वो एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है यहाँ पर बैलेंस शीट में जो हमारी फिक्स एसेट्स है फिक्स एसेट्स वो लेजर से आएगा बैलेंस सीधा सीधा तो लेजर से बैलेंस आ रहा है पूरा का पूरा पांच लाख का उसमें कोई भी छेड़ा छाड़ी नहीं है एज इट इज है हाँ, इसमें से हमने अलग से प्रोविजन फॉर डेपेशन इकट्ठा बता दिया कि भैया इसमें अभी तक साठ का डेपेशन लग चुका है अब बात करते हैं जी यहाँ पर ईयर नंबर 2020 थाउजेंड 23 सबसे पहले तो ईयर की बात करो क्या बना रहे हैं यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा पर फोर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 और बेटा ये है क्या बैलेंस शीट जो है एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू बेटा बेटे यहां पर जो बात हम लोग करें ये राजी ट्रेडिंग और इससे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीशियशन सेकेंड ईयर में भी तो साठ हजार का डेप्रीसिएशन है यहां पर जो बात है बेटा फिक्स असेट्स की फिक्स असेट्स की उसकी जो कॉस्ट है उसमें छेड़ा नहीं की गई वो तो एज इट इज रही हमने उसको नहीं घटाया पांच लाख की पांच लाख की है और फिर हमने क्या किया बताओ फिर हमने क्या किया इसमें से घटाया जी बाई सॉरी माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ध्यान रहे साठ पिछले साल था साठ और इकट्ठा हो गया तो आपकी बार जो इकट्ठा हुआ वो कितना हो गया इकट्ठा होने के बाद एक, एक लाख बीस हजार तो जो आउटर कॉलम में गई वो नेट फिगर गई कितना तीन लाख अस्सी हजार तीन लाख अस्सी हजार इधर कितनी थी पिछले साल बची थी चार लाख चालीस हजार उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर है तो मैं मानूं यहां तक बात ओके है मुझे एक बार बताना जल्दी से अगली क्लास में हम लोगों को काम करना है क्या बेटे आपका जो ये डेप्रीशन वाला चैप्टर है ना कौन सा चैप्टर है जरा आपको स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आएगी मैं कराऊंगा सारे के सारे स्टडी मैट से ध्यान रखना बेसिक हम लोग स्टडी मैट से करेंगे लेकिन बुक में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ठीक है तो पेज नंबर कौन सा है फिफ्टी सिक्स आई इधर एक बार पढ़ लें थोड़ा सा पेज नंबर फिफ्टी सिक्स पढ़ लें थोड़ा सा क्या क्या है जी जो हमें घर से करके लाना है पेज नंबर फिफ्टी सिक्स सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे पढ़ना है बेटा इसकी थ्योरी तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे अकाउंट में क्वेश्चन की बात करूँगा आपको करके लेके आना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सबसे पहले लिख लो बेटा एक बार इलेस्ट्रेशन नंबर सिक्सटीन से लेकर होमवर्क है हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर सिक्सटीन इलेस्ट्रेशन नंबर सेवनटीन सॉरी 17 और फिर क्या है हमारा इलास्टेशन नंबर एटीन नोट करो जी प्लीज़ नाइनटीन मत करना 19 थोड़ा सा मैंने बताया नहीं है वैसे करोगे कर तो हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बेटे तुम्हारे हाथ में है तुमने पहले पढ़ भी रखा है फाउंडेशन बेसिक तो इतना तो मान सकते हैं कि हाँ भाई आप लोगों को बेसिक आता होगा अच्छा इससे आगे नहीं करना यहां पर से चेंज इन मेथड के क्वेश्चन शुरू हो गए वो मैं कराऊंगा ठीक है जी ये कौन सा क्वेश्चन है इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी टू तक करके लाने सिक्सटीन से लेके ट्वेंटी टू मतलब टोटल छ क्वेश्चन है ठीक है जी तो मिले फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जो बच्चे अभी तक फेस टू फेस में नहीं आ रहे हैं प्लीज़ आ जाओ शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी टाइम मत वेस्ट करो ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओके देन बाय बाय